हेलो हाय हेलो मैं आई कैन कुक मैं काफी सारी चीजें बना लेता हूँ बट उसमें पुलाव बनाने में थोड़ा सा डिपो चाहिए थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस चाहिए मेरे से बच रहे जुलाई जुलाई और भी चाहिए तो जब भी आऊंगा ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू बी अ बेटर बॉलर देन व्हाट आई वाज सो लेट्स होप हेलो नमस्ते वेलकम वेलकम टू ANBU DEN Lions ये इस शो का नाम ANBU DEN Lions है अच्छा ओके How are you taking all this, by the way? आपको ये this lockdown का are you used to it? Are you getting used to it? Yeah, I am used to it because मैं जब घर पे होता हूँ तो मेरा schedule ऐसे ही रहता है कि मैं घर ground gym ये सब भी रहता है मैं बाहर ऐसे ही बहुत कम जाता हूँ तो मेरे को problem नहीं रहता मैं तो एकदम home वाली feeling है मेरे को तो मैं एकदम chill कर रहा हूँ घर But in this situation, Deepak, if you look at something like a lockdown ऐसा लगता है कभी कभार I mean, of course, for cricketers, it's in India especially, it's, you know, even more difficult. I mean, you're used to it. You can't go out sometimes. You are used to being inside because, you know, obviously, you know, the media attention काफी ज्यादा होता है. So, in that scenario, do you think that you're somewhat used to something like this and it doesn't trouble you mentally? उतना frustration नहीं है? बाकी को पता नहीं मेरे को जनरली कुछ ट्रेवल नहीं करता है आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द न्यू थिंग कुछ भी हो रहा है कि जो मेरे हाथ में नहीं है उसको कुछ कर नहीं सकते समथिंग विच इज नॉट इन माय हैंड आई कैन डू सो ऑब्वियसली जो है उसको ही आगे देख के व्हाट आई कैन डू इन दैट पर्टिकुलर टाइम और मोमेंट मैं उस पर ध्यान देता हूँ जैसे अभी कुछ नहीं कर सकते तो आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्यू न्यू थिंग्स आई एम ट्राइंग टू डू एक्सरसाइज लाइक बिकॉज आई वाज इंजर्ड आई एम गेटिंग बैक टू माई फिटनेस सो आई नीड दिस टाइम तो ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि मेरे लिए तो अच्छा हुआ कि मेरे को मिल गया टाइम थोड़ा और रिकवर करने का अदरवाइज आई वुड हैव मिस्ड फ्यू मैचेस फॉर सीएसके अगर टाइम पे स्टार्ट हुआ था आई वुड हैव मिस्ड फ्यू मैचेस तो मेरे लिए तो अच्छा हुआ और यू आल्सो गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम होम बिकॉज़ आई सॉ दिस वीडियो दैट यू पुट अप ऑफ योर फादर दैट वाज अमेजिंग मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि ही टेल्स यू You know, to, he pushes you to work out a little more, or does that always happen that he's probably inspiring you and also in some ways pushing you to work out as much as he is? पहले push करते थे, but we had a deal. You know, जब when I was not playing for country, so my father used to work a lot with me. You know, used to go ground and other stuff. So I used to ask him, "Hey, why don't you go and do gym with me when you're there in the gym? You know, why don't you do?" He said, like, if I do gym with you, then I won't be able to make food for you. You know, I will be tired and I don't want that. So we had a deal that when me and Rahul play for country, then he'll again get back into shape. So after we played, in 3 months, he lost some 20 kgs. And now he's aiming for 6 packs, basically. मतलब कंपटीशन अभी राहुल एंड दीपक के बीच नहीं है द कंपटीशन इज आल्सो इन्वॉल्विंग दैट एंटायर फैमिली इज डूइंग जिम नाउ सो ऐसा कोई भी आदमी नहीं बचा है जो हमारे टीम में हमारे घर में बूढ़ा भी हो जवान भी हो जिम नहीं करता है क्योंकि मेरे पापा करते हैं तो सबको करनी पड़ती है साथ में तो वो जो राइवलरी होती है ना जिम के अंदर वो बहुत देखने लायक होती है बेसिकली आई गो एंड डू माई एक्सरसाइज डिफरेंटली बट वो सीनियर लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं ना बट उनको देखने मजा आता है कि दे आर पुशिंग एवरी सेट बिकॉज दे वांट टू कम्पीट माय फादर हाँ मेरे फादर वो बहुत डायलॉग मारते हैं बीच बीच में क्योंकि मेरे फादर बड़े हैं सब छोटे हैं बाकी लोग तो उनको डायलॉग मारते रहेंगे और फिर उनसे भी ज्यादा एक्सरसाइज कराते तो नाउ लाइक एवरीवन इज फिट इन माय चार फैमिली वाओ यार आई मीन दैट्स अमेजिंग एक्चुअली आई वांटेड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन इन फैक्ट आई वाज थिंकिंग ऑफ आस्किंग इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ अ कंपटीशन बिटवीन यू यू नो ऑब्वियसली योर कजिन्स एंड Your brother, your father, on how many weights you are carrying or lifting, or how many is that kind of competition is always there? And no one, I'm way ahead of them, so they don't compete with me. How many can you deadlift? Because I had back injury, so right now I was not lifting deadlift. But if you see bench press, you have maximum kitna hai? Maximum I have lifted on 160. 150, 160. I have scored and squats for 150 kgs squats. Bench press 120 kgs maximum. Tommy won't agree because uske saath I had bad. I had bad. Yeah. Tommy, I can lift 120 kg.
He said, no way you can lift 120 kg. We had a bet for $100. But the bet was, if I can lift 100 kg, then I don't have to pay him anything. If I lift 120 kg, then he'll give me $100. I was not in practice. Lifting weights is all about practice. That time I was not in practice. So I lifted 100 kg. So basically I didn't do anything, Tommy. But still he doesn't believe I can lift 120. But I have. Yeah, and of course for those who, you guys will know, of course, we're talking about Tommy, he's our physio, Chennai Super Kings physio. We'll probably get this thing sorted. When IPL comes, we will have this thing sorted. No, but you said that, you know, it's nice ki this time is for obviously rehabilitation, thoda recovery. This is a good time for you. And also to pick up something new. So, ghar ka kaam last kya kya aapne? What did you do last at home? मैं कपड़े धो दूँ बचपन में वॉशिंग मशीन वॉशेस द क्लोथ्स दीपक यू जस्ट हैव टू पुट इट इन द वॉशिंग मेरी बात सुनो मैं पहले हाथ से भी धोता था जब वॉशिंग मशीन नहीं थी बहुत पहले उससे बहुत से एक्सरसाइज होती है जब कपड़े धोते हैं ऐसे ऐसे बाहर निकलते एकदम पूरी बॉडी पंप हो जाती है तो पहले मैं धोता था अभी पर अभी भी डिफिकल्ट है कि कपड़े इकट्ठे करो फिर वॉशिंग में डालो धो फिर उनको सुखाओ तब मैं वो काम करता कपड़े धोने वाला काम करता अब फिर यू सेपरेट आल्सो व्हाइट सेपरेटली कलर्ड क्लोथ सेपरेटली सब व्हाइट तो है नहीं व्हाइट तो नहीं सब एक साथ इतना भी नहीं बट वुड यू हैव यू डू यू लाइक कुकिंग एट ऑल डू यू हैव यू कुक्ड ड्यूरिंग दिस टाइम फॉर योर फैमिली रिसेंटली आई ट्राइड मैंने पुलाव बनाया था तो मैं आई कैन कुक मैं काफी सारी चीजें बना लेता हूँ बट उसमें पुलाव बनाने में थोड़ा सा डिपो चाहिए थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस चाहिए कि वो चावल एकदम मतलब चिपक नहीं जाए और वैसे वाले उसमें क्वांटिटी पानी का वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था बाकी मेरे मेरे फादर बहुत अच्छे कुक हैं तो एक दिन मैंने बोला मैंने चलो आपको पुलाव बना खिलाता हूँ तो बना अच्छा था बट मतलब टेस्ट ठीक था बट थोड़े चावल ज़्यादा शायद मैंने पानी डाल दिया था तो नेक्स्ट टाइम सोच रहा हूँ कि और बेटर हूँ But just want to ask you about your father, of course, Deepak. We do know that he has a very strong background, you know, a very strict kind of a disciplinary background. Thoda hai unka. Would you say that that's one of the reasons why you are more disciplined? Obviously, because he was in Air Force, so हम लोग पढ़ते भी KV में school में थे, तो वो military का रहते भी Air Force का अंदर थे, तो वैसे ही वहाँ बहुत strict होते हैं, पढ़ते हैं, हर चीज से regulation हर तरीके से follow करनी पड़ती है. तो उसके बाद वो है एक बिकॉज ही हैज सर्वड फॉर 20 इयर्स इन एयरफोर्स सो ऑब्वियसली वी हैव सीन एवरीवन अराउंड बीइंग डिसिप्लिन्ड सो थोड़ा बहुत हमें छोटे थे तब नहीं था छोटे में तो ऑब्वियसली सब शरारती होते हैं धीरे धीरे मैच्योर होते गए तो ऑब्वियसली होते गए मैच बट ये कि आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट एज 12 सो आफ्टर दैट तो कुछ बचा ही नहीं कि ओनली मॉर्निंग टू नाइट ओनली क्रिकेट तो बाकी कुछ लाइफ बची नहीं तो फिर डिसिप्लिन अपने आप ही हो गए बट इज ही स्टिल एज स्ट्रिक्ट राइट नाउ और Not so much. Yes, Now same. He knows that you're same. He's same. You can't change baap, things. Baap to badal nahi sakte, obviously baat hai. Baap to baap hi rahega. Okay, so I have a few interesting... This is called this or that, okay? I have very interesting things. So there are two options. It's called this or that. You have to choose one of them. What do you prefer? Okay? So it's called the lockdown special. Okay? Cooking or cleaning? Cooking. Hand hand. Sticky rice भी चलेगा लेकिन cooking. मेरे father बोलते हैं कि उनको ना रोटी बनाने में मजा नहीं आता उनको सब्जी वब्जी बनाने में मजा आता बोलता है ये रोटी वाला बनाना तो ये मजदूरों वाला काम है सब्जी काटना रोटी काटना खाना बना सब्जी बनाना अच्छी एक शेफ का काम है तो मेरे को लगता है कि कपड़े तो कोई भी धो लेता है अच्छा खाना बनाना अगर किसी में टैलेंट है तो वो बना सकता है ट्रू ओके PUBG or table tennis? PUBG. Kaisa, how is PUBG happening? Whether is it still on? Are you still playing with MS? Yes. Maya bhai bahut kam khelte hain, main khelta hu. Wo abhi wo dusre game, Maya bhai dusre game khelte hain. To PUBG COD. हाँ वो अभी बीच में एक दिन खेलने आए थे पबजी तो इनको पता भी नहीं चल रहा था कहाँ से कौन मार रहा था तो उनकी हैबिट चली गई पबजी खेलने की आउट ऑफ टच दिख रहे थे So PUBG, you'll choose PUBG over TT. Interesting. So we also know that you're picking up one more hobby, one more actually interest over this time. So I'm going to ask you about that. Listening to music or playing the guitar? Obviously playing guitar.
tell us about that. A lot of people saw you, thoda bahut jhalak mila, but tell people about, you should tell your fans about why you decided to pick, learn how to play guitar. हर आदमी हर लड़के से पूछूंगा तो उसको गिटार बजाना मत सीखना आना, मतलब तो लगता है कि मुझे गिटार बजाना आना चाहिए हर लड़के से, मतलब स्वैग। हाँ स्वैग वाला, तो बचपन से हमें भी था कि भाई गिटार बजाएंगे कभी, बट टाइम मिला ही नहीं कभी। तो फिर अभी व्हेन आई गॉट इंजर्ड तो मुझे लगा कि हाँ ये टाइम है, बिकॉज मेरे को बैक इंजरी हुई थी तो मुझे 5 वीक्स का बेड रेस्ट बोला था कि बेड रेस्ट फॉर 5 वीक्स। मैंने कहा 5 हफ्ते में कुछ बैठते ही नहीं सकते तो मैंने गिटार बेटर ऑप्शन सीख सकते हैं, तो उन 5 हफ्ते में मैंने सोचा कि हाँ थोड़ा गिटार बजाना सीखते हैं। Alright, we just hope you play something on the guitar soon for us. I'll play a song on your birthday. I've learned that happy birthday too, so I'll play for you on your birthday. Thank you. I'm happy. When is your birthday? July. Which year? Which year? I will tell you on WhatsApp. Okay. Okay. Netflix and chill or gym session at home? Gym session, obviously. Anytime. Obviously, competition has to be there, no? Yeah. The competition has to continue. Yes. Yeah, no? Khud se. Better one day. The summer in Agra or the heavy summer in Chennai? What do you prefer? Agra. Home. दिल दुखा दिया आपने सारे CSK fans. Family फिर वो अलग है ना। Alright, last one. घर का खाना या स्विगी या Zomato? मैं घर के खाने के लिए लो, मैं मेरे को पहली बार भी मिलता है ना, तो मेरे को अगर वो invite करता है कि आप तो घर पे खाना खिला, तो मैं बोलता हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग इतना बाहर travel करते हैं तो खाने को मिलते हैं नहीं घर का, अभी तो घर पे ही है। बट रेगुलरली खेल रहा मैं तो 2-2.5 साल से बहुत ज्यादा बिजी था, तो मुझे तो कोई भी बुला रहा था मैं चला जाता था घर पर खाना खाने के लिए, तो ऑब्वियसली घर का खाना। I wanted to play Damsharaj with you, ठीक है? वो क्या होता है? मैं एक मूवी, ए वो क्या होता है मत बोलो, you know what's Damsharaj, ठीक है? So I'll try to mime a movie, you have to guess it. Yeah. Cooler. Yeah, okay. Very easy. I'll try. One word. Mm. 3 words. Okay. One. First word. Hawa. Breathe. Mm-hmm. Mm. Breathe. English pehle. English movie, Hindi movie. English. English movie. Okay. Breathe. Air. Mm-hmm. Air. Okay. Mm. Second word. Smash, box, hit, hard, force, fight, hit, fight, hit, hard, air, third word, first air, air, first wala hai, second hai, first or third is air. Counting. Thinking. Air. Guys, please help. Focus. Force. Force. Okay. Air force. Air force. Or force. Air force. Air. You can move here. Air. Air force air. One. Not bad. अरे पापा आपने बोला था एयरफोर्स, तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा सा मूवी मेरे माइंड कर, मैंने नहीं देखी है एयरफोर्स 1। कौन सी मूवी है? बहुत ही सही मूवी है, मैंने टॉप, यू शुड वॉच दिस, एक्चुअली यू शुड वॉच इट, अभी आपके पास टाइम थोड़ा है, गो फॉर इट। ओके। 3 words. भाग भाग मिलकर भाग। मैंने कहा सिंपल रूट था, मैंने कहा जिसमें मैं बता एक्टिंग कर सकूं वही वाला। मैं तो आपको पॉइंट्स मिल गया, वेल डन, ऑसम। जस्ट अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ कोर्स दीपक बिफोर वी रैप दिस अप। वन ऑफ कोर्स यू नो सब लोग बोल रहे हैं कि द एयर इज क्लियर्ड सो मच, यू नो वी कैन सी हिमालयस फ्रॉम आउटसाइड अ हाउस, कैन यू सी ताजमहल फ्रॉम योर हाउस?
No, it's really far. It's some 8 kilometers, but obviously, I can see that it's very clear. So, अच्छा है कि थोड़ा pollution कम हो गया. सबको time मिल गया family के साथ spend करने के लिए. अगर आप देखो तो one way it's good. कि लोग वैसे ही बहुत परेशान होते थे कि भाई छुट्टी नहीं मिल रही है office से, family के साथ time नहीं मिल रहा है spend करने को. अब सबको मिल गया है तो अब लोग सब लोगों की इसमें ही problem है. Actually कि हम लोगों क्या problem होती है, कभी भी हम खुश नहीं होते. But ठीक है, जो चीज अच्छी मिल रही है उसे खुश है, खुश रहो. But do you think Deepak also hello? At this? Hi, आपका friend of course. Come, hello. ये अभी जल्दी दे रहा. Oh. Hi वो. Hi. Hello मेरे को नहीं उधर. Hi. Hi. Hello. So cute. रूपा मैंने बोल रही है. But yeah, it's nice to have a dog. That I mean, I think that's the best part, no, about a lockdown. I think बहुत सारे cricketers they say this, that they give you a lot of positivity. हाँ, मेरे को तो बहुत पसंद है बचपन से. मेरे फादर को कभी भी ना डॉग्स पसंद नहीं थे. तो मैं उनसे बहुत पहले से कहता था कि वो बोलते थे कि कभी रहे नहीं उनके साथ में. बट जब वो पापा ही खुद लेके आए फिर एक दिन उनको लगा. तो इतना छोटा सा था ये बेंजो. तो जब लेके आया ना तो उस टाइम सर्दी थी दिसंबर के टाइम पे लेके आया. तो वो अपनी जैकेट के अंदर रखते थे इसको पहले ऐसे जैकेट में. तो जब स्टार्टिंग के अंदर तो धीरे धीरे वो अटैचमेंट बन गया. तो पापा को भी अभी मतलब कुछ दिन में थोड़े दिन में बन जाता अटैचमेंट. तो पापा को भी अभी बहुत अच्छा लगता है. So sweet. Do you feel that also you know a dog will keep you mentally more sane, Deepak? I mean, they keep. क्योंकि इस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन पीपल कैन गेट फ्रस्ट्रेटेड एट टाइम लाइक दिस. सो अ कंपनी ऑफ अ डॉग एंड ऑल दैट कैन ब्रिंग्स यू मेक्स यू मोर काम. हां बिल्कुल. ऑब्वियसली मैं हमेशा एक सब लोगों में बोलना भी चाहूंगा कि लॉट ऑफ पीपल हैव डॉग इन देयर हाउस बट यू नो दे जस्ट समटाइम्स दे जस्ट ट्रीट देम एज अ डॉग. यू नो दे वांट टॉक टू देम और जस्ट दे विल बी लाइंग डाउन इन द कॉर्नर एंड ऑल. बट आई थिंक यू नो इफ we should go and take out some time. Like now, yeah. People must be taking out time and making videos and posting them. Like I'm playing with my dog and now. Yeah. But when you are busy in your work, still if you can take out 5 to 10 minutes and play with them. Obviously, they are also human. Just imagine, yeah, someone leave you in the corner of the house and you know, don't talk to you for like 24 hours. And how would you feel? So when I'm here, when I come, I take out my time. If I'm busy also in from my schedule, I take out time. And I play my Denzo because I understand because they are also human beings and they need some attention. Obviously, you can't be lying down in the corner for like 24 hours and just eat food and just keep on lying down. So I have a request to all the people or those who have dog or any pet, you know, when you're busy, take out time and you know, play with them, talk to them. Like I talk to him. Like जब से छोटा सा है हम लोग उससे आदमी की तरह बात करते हैं. तो जो भी जो एक हम जो डॉक्टर है ट्रीट करता है तो वो बोलता है कि हमने ऐसे स्मार्ट लैब नहीं देखे. क्योंकि ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग बिकॉज मी एंड माई फादर वी स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम लाइक अ ह्यूमन बींग लाइक मेल. तो वो समझता है हमारी बात है. ऑब्वियसली अगर किसी आदमी के बच्चे को भी आप छोड़ दोगे जंगल में तो वो भी जानवर बन जाएगा. तो अगर आप उनसे बात करोगे तो दे वुड अंडरस्टैंड. So few questions we'll take. A lot of the fans have been asking a lot of questions, Deepak. So a couple of questions we'll take before we wrap it up. Someone's asking, how is your training going? I can do running stuff. You know, I can go and run in my this ground, and I can do the gym because I knew that lockdown was going to be over, so I bought all the equipment at home. Very nice. So gym, I can do my gym and running and all. बाकी सब batting bowling नहीं हो पा रही, but still I can do some practice which I used to do when I was 12. मैं हर को मैं भी बोलता हूँ. मुझे पूछता है कि सीम प्रैक्टिस होती है जिससे बॉल स्विंग होती है तो उसके लिए कोई चाहिए नहीं. एक आदमी चाहिए बॉल पकड़ने के लिए. वो मैं अपने घर से जाके कर सकता हूँ. तो जो जो चीज पॉसिबल है वो करता हूँ. Another quick question, let's take. Someone asked, which is your favorite ground to bowl in? Favorite ground to bowl is I think Pune because Pune played team at 2-3 years and I really enjoyed. But the best stadium I would like to play is Chennai because the amount of support we get in Chennai. Yeah. Yeah. Because Chennai wicket is not that good for fast bowlers. Everyone knows that. Exactly. I know. I don't like to play on that ground, but I like to play in the stadium with that environment.
the atmosphere and energy is very yeah, yeah. And obviously I was waiting for this year because now the three stands they were going to be open this yeah. year, and that environment I was just imagining and bowling in that environment. Hopefully in upcoming few months we might play again in that environment. Okay, one quick question that just came right now. I'm sorry I missed your name. He's asking which is your favorite South Indian dish food. Idli, because हम लोग बचपन से इडली खा रहे हैं. हाँ नहीं नहीं बचपन से खा रहे हैं हम लोग इडली. हमारे घर में बचपन से इडली और डोसा बनता है. तो हाँ क्योंकि मेरे फादर ये फोर्थ में थे तो he was posted here and there. तो जब हम actually बहुत कम लोगों को पता है और मैंने शायद कहीं बताया भी नहीं है कि जब मैं अपनी माँ के पेट में था तब मैं चेन्नई में था एक्चुअली. What? हाँ मेरे फादर की पोस्टिंग चेन्नई में थी. He was there for one year. जब when I was like maybe 2 to 3 months I was in Chennai. My God. What a story. उधर from there my mother and my father my mother is like she learned how to make idli and dosa. So I'm having idli and dosa since I was one. Oh my God! See, this is a lovely connect, yeah. Guys. If you've heard this, this is awesome. I have that picture also. One picture that my mother, like, she's pregnant. She's standing near that beach. Marina. Marina. Oh, wow. Very nice. This is a lovely story, Deepak. Quite a nice story. Before we go, you want to say something to your fans because I know that. The mental aspect also kind of changes when cricket finally happens, and we want cricket to happen. We want everything to happen and things to get solved fast. So if you have a message for fans, also talk about how for you mentally it's important to be in a space and not, you know, lose focus when cricket finally comes back. I think it's a very difficult time for like every one of us, you know. Yeah. People, if we want to play and there are a lot of people who want to go to job, you know. And the money is everything for everyone. Like people want to go to their work and do, and a lot of people have lost their business also. Like people those who are earning per day, like still we can survive. But the people like poor people, गरीब जो बेचारे daily काम करके खाना खाते थे, ऐसे ऐसे ही लोग ज़्यादा हैं हमारे देश में. तो वो लोग बहुत ज़्यादा सफर कर रहे हैं. तो obviously हम लोग तो फिर भी थोड़ा कर सकते हैं कि एक महीना अगर lockdown हुआ है, दो महीने हुआ, तो we can still, you know, manage things. तो उनका सोचिए और you know be safe. Yeah. And while you are at home, मैं सबको ये बोलता हूँ, there is always to learn something new. So obviously सब लोगों को सब कुछ नया सीखना होता है. तो हमको कभी time मिलता नहीं है. तो ये time है to, and this is the time to utilize to learn something new. And आपको कभी मिलेगा नहीं, मुझे लगता नहीं शायद ऐसा time कभी दोबारा मिलेगा कि you know आप लोग 20 दिन 25 दिन या एक महीना घर पर अपनी family के साथ हो, फिर यू कुछ भी कर सकते हो. तो शायद इसको ऐसा opportunity देखना चाहिए. You know, I think it's all about thinking positive. कि आप उस moment में रह के क्या positive कर सकते हो. तो try to learn something new. अगर आपके जो भी family members हैं उनसे बात करें. कभी कभी होता है कि आप life में busy होते हो तो आप जरूरी नहीं कि आपके माँ बाप या आपके cousins भी हैं जो भी घर में रहते हैं उनसे आप बात कर सकते हो, उनकी life के बारे में जान सकते हो कि वहाँ आप उनको कहीं help कर पाओ जो शायद अपनी life में आप busy थे तो नहीं कर पा रहे थे. आगे बहुत सारी अच्छी चीजें हैं करने को टाइम में. तो इट्स जस्ट अबाउट थिंकिंग पॉजिटिव एंड यू नो वी ऑल विल फाइट इट टुगेदर. और होपफुली आने वाले टाइम में बहुत जल्दी सब कुछ सही हो. क्रिकेट ही नहीं, क्रिकेट तो शायद सब लोग बाद में पीरियड है, पहले नॉर्मल चीजें सब कुछ सही हो जिसमें सब लोग अपने घर से निकल पाए, वो फिर बाद में क्रिकेट आती है ऑब्वियसली. और तो जब भी आऊंगा ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू बी अ बेटर बॉलर देन व्हाट आई वाज. सो लेट्स होप. Yeah, and all the support and love is there, of course, for you from all of these guys here, for sure. And maybe we'll see you soon. We'll see you in action soon, and all the love for sure. Thank you so much.